टीकमगढ़ की जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। परिजनों द्वारा पहले जिला जेल के बाहर चक्का जाम किया गया और उसके बाद अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। बताया गया कि कैलपुरा निवासी विंद्रावन रेकवार 376 के मामले में जेल में बंद था, जिसकी रात में मौत हो गई थी। आज कैदी के परिजनों ने हंगामा करते हुए जेलर को हटाने की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया गया। साथ ही कैदी की मौत के मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन जब परिजन एवं ग्रामीणों द्वारा प्रशासन अधिकारियों की अपील नहीं मानी गई और हंगामा जारी रखा गया, तब पुलिस प्रशासन ने सख्ती का प्रयोग करते हुए चक्का जाम पर बैठे हुए लोगों को हटा दिया। जेला ने पैसा लेके वो मार दिया। वो बोलते है जेला है, गाँव में गया तो जेला बोलता है के उमठा निशानी कर दो, इसको रेफर करना है कहीं पर तीन दिन के लिए। वो उमठा लगवा के फिर बाद में बोलता है तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है। क्या लगता है किस जो बाबू और ये कौन है? वो जिसका केस लगा था ना लड़की का, वो उसका उसी का है हाथ उसमें। हाँ, रात में बोलते हैं हार्ट अटैक आया। कभी एक गोली भी नहीं खाता था, कभी भी बीमारी नहीं थी उसको, कोई सी बीमारी नहीं थी उसको। क्या तो कल कुछ खाना वाना खाया था क्या? किसके बाद क्या थी? क्या हमको क्या पता, ये तो जेलर बताएगा क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं जो हमारे यहाँ पे हवालाती बंदी वृंदावन रेकवा था, जो कि थाना बलदेवगढ़ से संबंधित रखता था और धारा 376 के अंतर्गत यहाँ पे अंडर ट्रायल में था। कल रात में लगभग 12:45-50 के आसपास उसकी हिचकियाँ आने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो तत्काल हम लोग यहाँ पे आते हैं और उसको यहाँ से मैं खुद अपने जेल के वाहन के माध्यम से उसको लेके गया हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो जो मैंने कथन बंदियों की जानने की कोशिश की अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि उसको अचानक से हिचकियाँ उठी हैं और हिचकियों के बाद ही उसको रिपोर्ट तुरंत लगाई गई है और 15 मिनट में पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया है सर कि वहाँ पर चार मारपीट हुई है, क्या हुई, किस तरह से? देखिए, हम लोगों ने खुद ही न्यायिक जाँच की मांग न्यायालय से की है और इसके अलावा प्रशासन को और SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको सूचित कर दिया है। मानवाधिकार आयोग भी इस पक्ष की जांच करेगा, तो जो भी जानकारी होगी, जो भी इन प्रकरण होंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ऐसा जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो भावावेश में आके ही लगा रहे होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। किस मामले में सर बंद था ये? परिजन आरोप लगाया है कि क्या? देखिए, इसकी जो सूचना प्राप्त हुई है, शिकायत प्राप्त हुई है, विधिवत रूप से क्या कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी इस पर और टीम बना के पोस्टमार्टम किया जाएगा। बिना जाँच से पहले कोई निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं है। विधिवत रूप से कार्रवाई की जा रही है, उनके परिजनों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है, शासन प्रशासन पूरी तत्परता के साथ जो भी निष्पक्ष कार्रवाई वो की जा रही है। जुडिशियल इंक्वायरी होंगे, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे, उनके समक्ष में सारी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन कैदी था, क्या नाम था, कब से बंद था? जो बताया जा रहा है वृंदावन रेकवार करके हैं और अभी विचाराधीन थे और बलदेवगढ़ के पास के निवासी हैं वो। सर, जाम खुल गया? जाम अभी जो इनके द्वारा किया गया था, बातचीत करके उनसे खुलवा लिया गया है और आगे की समस्त जो भी विधिवत कार्रवाई वो करवाई जाएगी। ठीक है सर।